क्या गुजरात में कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेरेंगी छोटी पार्टियां? क्या कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होंगे छोटे दल? कांग्रेस इस बार भले ही गुजरात में जीत के सपने देख रही हो, हालात भले ही उसके पक्ष में नजर आ रहे हों, लेकिन मोदी शाह के इस गढ़ में बीजेपी को हराना उसके लिए आसान नहीं रहने वाला है। इस चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी के साथ साथ छोटे दलों से भी निपटना होगा, जो उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वैसे तो गुजरात में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन इस बार चुनाव में कई छोटे और क्षेत्रीय दल भी ताल ठोक रहे हैं। खबर के मुताबिक एनसीपी के अलावा जेडीयू, बीएसपी, आम आदमी पार्टी और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर जन विकल्प मोर्चा बनाने वाले शंकर सिंह वाघेला भी मैदान में हैं। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 40 रिजर्व सीट हैं। इनमें से करीब 27 आदिवासी सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस का दबदबा था, जबकि अनुसूचित जाति की सीट बीजेपी के खाते में गई है। जातिगत आंदोलन की वजह से बने राजनीतिक समीकरण के बीच इन सीटों पर सभी पार्टियों की पैनी नजर है। आदिवासी इलाकों की 15 सीटों पर जेडीयू तो अनुसूचित इलाकों में बीएसपी कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। वहीं हर बार की तरह इस बार एनसीपी कांग्रेस के वोट बैंक में भी सेंध लगाएगी। इसके अलावा सभी 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले शंकर सिंह वाघेला शहरी इलाकों में कांग्रेस के वोट को चोट करेंगे और बाकी रही सही कसर आम आदमी पार्टी पूरी कर देगी। इतना ही नहीं, पिछली बार गुजरात परिवर्तन पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार ये सभी बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में अगर इन पार्टियों को मिले करीब 4% वोट बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो फिर कांग्रेस के अरमानों पर इस बार भी पानी फिर सकता है। इंडिया न्यूज़, वारिल की रिपोर्ट।